सुल्तानपुर से बड़ी खबर। सुल्तानपुर में आज बड़ा हादसा होने से टला। सुल्तानपुर जनपद के गल्ला मंडी का 135 साल पुराना गेट आज सुबह 5 बजे के करीब गिर गया। गिर जाने से व्यापारी में दिखा काफी आक्रोश। अभी तक नहीं पहुंचा कोई भी मलबे के समीप। गल्ला मंडी के एजाज अहमद ने बताया कि कई बार नगरपालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि अजय जायसवाल से बात की गई, लेकिन उनका कहना है कि गल्ला मंडी से उनका कोई भी मतलब नहीं है और न ही आज तक कोई एक्शन लिया गया। कई दुकानदारों के सामान मलबे के नीचे दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मामला है, आप काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है भैया। ये दीवार का, ये गेट का मामला चल रहा था आज काफी दिनों चल रहा था, काफी दिन चल रहा था। हमने जो है इसको SDM गया है, नगर पालिका में कई जगह एप्लीकेशन दिया, सिर्फ कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। गल्ला मंडी व्यापारी और हम लोग काफी परेशान थे इसके लिए और कई जगह गए लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। नगर पालिका में चेयरमैन के पति जी ने कहा था, उनको भी बताया गया, उन्होंने कहा कि हमारे मतलब कोई इससे मतलब नहीं है गेट से, इससे हमारा कोई। और उन्होंने बीच में जो है कुछ मजदूर को भेज के इसकी लिपाई पोताई करा दिया था, कराने के बाद जो है वो छूट नहीं पा गया। आज सुबह गिरा 5 बजे करीब। इसके नीचे दुकान, दुकान यहाँ पर लगती है और ये कही आवागमन बराबर रहता है, जो कि चेयरमैन साहब को पता है कि यहाँ पर ये आवागमन हमेशा बराबर रहती है, उनको मालूम भी है, लेकिन उन्होंने इससे कहा कि इससे हमसे कोई मतलब है नहीं। उनको सूचना थी, जवाब दे दिया, इसका कोई वो नहीं। क्या कह रहे भैया? इसका मतलब हम लोगों ने, गल्ला मंडी वालों ने कई बार हम लोगों SDM के यहाँ गए, उनके यहाँ गए और सबसे साइन करवाया 20-25 लोगों से, और इसका कोई जो है निराकरण नहीं हुआ और भगवान की मर्जी से ये अपने आप जो है आज खतरा जो मंडरा रहा था सबके ऊपर, वो सुबह 5 बजे बरसात की वजह से दीवार जर्जर थी, इस वजह से सुबह ये अपने आप गिर गया। अगर दिन में गिरता तो 10-20 लोग की मौत हो जाती और 4-5 लोग इसके नीचे दुकान लगाते हैं। तो नगर पालिका में आपने आवाज उठाई कभी की? आवाज हमने भैया कई बार व्यापारियों गए थे, व्यापारी लोग गए थे हमको, जहाँ लोग कई बार गए। क्या नाम है आपका? हमको सूचना मिली थी, राजेश कुमार अग्रही। सुल्तानपुर से मोहम्मद काशिप की रिपोर्ट।